हेलो गाइस, कैसे हैं सबके साथ गाइस। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम एमएक्स वीडियो प्लेयर देखिए, ये रहा प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो ये लोडिंग स्क्रीन है इसकी, और जैसे एमएक्स वीडियो प्लेयर है तो ये सिंपल सा एक वीडियो प्लेयर है। इनमें जो भी वीडियो है मेरा तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ तो ये साउंड को मैं कम कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है। ओके गाइस, ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये, और इसको आप यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। तो ये रहा वीडियो प्लेयर, जो एमएक्स का वीडियो प्लेयर होता है उस तरह कुछ बनाने का कोशिश किया है मैंने। इसमें सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं बैक कर देता हूँ। हाँ, ये बैक हो गया है। ओके, ये जो फाइल है क्या हो गया, ये देखिए, ओके गाइस, आज का ये वीडियो में ये जो प्रोजेक्ट है एमएक्स वीडियो प्लेयर का, तो ये प्रोजेक्ट आप सभी से मैं शेयर करूंगा। गाइस नीचे कमेंट करके बताओ, हाँ इसमें अगर आपको कुछ नया चीज़ ऐड करना है, जैसे ब्राइटनेस का या फिर वॉल्यूम का या फिर कुछ, अगर इसमें आपको कुछ चाहिए तो नीचे जो भी आपका क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके बताओ, आपको मैं उसका रिलेटिव वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ओके भाई, ओके गाइस, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। क्या लास्ट तक, सबसे पहले इसको मैं अपलोड कर देता हूँ इसका शेयर में। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप जाइए इसको डाउनलोड कर लीजिए, स्केच शेयर में आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप नए हैं, ओके भाई, अगर आप स्केच शेयर में या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना नया सीख रहे हैं तो आप मेरा ओल्ड वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके गाइस, मतलब आपको अगर एप्लीकेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो आप ये रहा हमारा एमएक्स प्लेयर। हाँ, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। मतलब आपको अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन थोड़ा आप सीखना चाहते हैं तो भाई मेरा आप ओल्ड वीडियो देख सकते हैं, और ओल्ड वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। मतलब पुराना जो वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल में, आप वो देख के सीख सकते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो आप पहले वो देख लीजिए, तो ये 100% सक्सेसफुल हो गया है। हम यहाँ पर देख लेंगे। अगर आपको ये स्केच शेयर, ये जो एप्लीकेशन है, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो का लास्ट में मैं आपको बता दूंगा आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जाइए, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप इसको डाउनलोड कीजिए स्केच शेयर में। ओके गाइस, और इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, आपको इसमें जो प्रोजेक्ट है आप इसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप स्केचवेयर में इंपोर्ट करेंगे, मतलब यहाँ से जो प्रोजेक्ट है आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे और स्केचवेयर में कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। ओके गाइस, अगर आप नए हैं तो ओल्ड वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब चैनल में जाइए, आपको यहाँ पे मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको ओल्ड वीडियोज़ मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा पुराना वीडियो मिल जाएगा, आप देख के आप सीख सकते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। ओके गाइस, आप बात करते हैं, आप स्केच शेयर के बारे में बात करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डायलॉग भूल जा रहा हूँ, हाँ सही है। स्केचवेयर का कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपके पास ये वाला एप्लीकेशन रहना चाहिए, इसका नाम है स्केच शेयर, और इसका डाउनलोडिंग लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूँगा। आप वहाँ से ये वाला एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद इसमें आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। मैं वीडियो में जितना भी प्रोजेक्ट आपके लिए दिखाता हूँ, मतलब जिस रिलेटिव में वीडियो बनाता हूँ, वो सभी प्रोजेक्ट को मैं इसी में अपलोड कर देता हूँ टाइम पे। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, मतलब जो भी वीडियो में प्रोजेक्ट दिखाता हूँ उस प्रोजेक्ट को मैं इसी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो आपको इनमें से डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं बाद में इसको फिक्स कर दूंगा, आपके लिए अपडेट दे दूंगा। डाउनलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, आप अगर किसी को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें डाउनलोडिंग उल्टा होता है, ये बात का आप ध्यान रखिए। इसमें अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें उल्टा होता है, जैसे कि आपको ये पहले वाला डाउनलोड करना है तो इसका उल्टा तरफ आपको प्रेस करना पड़ेगा, ये वाला।
ओके आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो ये 1 2 यहाँ का इसका ऊपर आप प्रेस करेंगे तो ये वाला डाउनलोड हो जाएगा। ये उल्टा डाउनलोड होता है, मैं बाद में इसका फिक्स कर दूंगा, इसका अपडेट आपको दे दूंगा। मैं आपको दोबारा अच्छे से समझा देता हूँ, आपको अगर ये वाला डाउनलोड करना है तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर का डाउनलोड करना है तो इसका उल्टा तरफ 1 2 3 4 ये वाला आपको प्रेस करना पड़ेगा तभी जाके वो वाला डाउनलोड होगा। अगर आपको ये वाला डाउनलोड करना है तो 1 2 3 4 5 नंबर का डाउनलोड करना है तो यहाँ का 1 2 3 4 5 इसका पर प्रेस करना पड़ेगा, और बीच का पर प्रेस करेंगे तो बीच वाला डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन इसमें डाउनलोड उल्टा होता है, तो जिसको आप किसी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। तो सिंपल सा मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, टू डू लिस्ट को, ओके ये वाला डाउनलोड करता हूँ, तो इसका मैं इसका पर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डाउनलोडिंग का फाइल दिखा रहा है और यहाँ पर 0% है, तो ये 100% कम्प्लीट होने दो, तो ये डाउनलोडिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो आप जाइए फाइल में, आपका जो फाइल मैनेजर है, और इसमें आपको एक ये मिलेगा, फोल्डर मिलेगा sketchware, देखिए ये वाला फोल्डर मिलेगा आपको, और सिंपल इसके ऊपर आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलेगा और पब्लिश का मिलेगा। तो ये डाउनलोडिंग का जो आपको ऑप्शन दिया गया है इसका प्रेस कीजिए। तो हमने देखिए हमने टू डू लिस्ट का अपने डाउनलोड कर लिया है, जो ये वाला एप्लीकेशन है टू डू लिस्ट, देख लीजिए 623। आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसका नाम और ये नंबर इसका आईडी ध्यान रखिए। देखिए हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, मैंने आपको दिखा दिया है कैसे डाउनलोड करना पड़ता है, आपको उल्टा तरफ से डाउनलोड होता है। तो इसको हम sketchware में इम्पोर्ट करेंगे, इसमें इम्पोर्ट देखिए ये अभी यहाँ तक नहीं आया है, तो यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे वो कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका पर प्रेस करना पड़ेगा, और प्रेस करते ही आपको यहाँ पर टू डू लिस्ट लिखना पड़ेगा, टू डू लिस्ट टू डू, इस तरह से आपको मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया है, आपको भी लिखना पड़ेगा। और आपको अगर इसमें फायरबेस ज़रूरत पड़ता है तो आप यहाँ से फायरबेस का पैकेज नाम दे सकते हैं, और इसका कोई भी एक आइकॉन आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका गैलरी में से कोई भी एक आइकॉन आप सिलेक्ट कर लीजिए, गैलरी से कोई भी एक आइकॉन आप ले लीजिए, जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ ये वाला को, ओके मैंने एक आइकॉन ले लिया यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया था, इसको ले लेता हूँ, हाँ टिक करता हूँ मैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक आइकॉन ले लिया है और इसको मैं क्रिएट ऐप का ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए और अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल बैक कर देना है, ये खाली छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक खाली प्रोजेक्ट मतलब पूरा एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, और इसी का ऊपर मैं उसको इंपोर्ट करूँगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप sketchware में जाइए और इसको बैक कर दीजिए, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लिखा गया है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, ये देखिए ये जो प्रोजेक्ट का जो नाम है न्यू प्रोजेक्ट 40, आप इसका नाम चेंज कर देंगे तो अभी अच्छा रहेगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है मैं रहने देता हूँ अभी। तो इसका ऊपर हम जाएंगे ढूंढेंगे, आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, तो ये पूरा लास्ट में है, इसमें सब उल्टा है भाई, ठीक है मैं बाद में इसका अपडेट आपको दे दूँगा, इसमें लास्ट में आपको ये मिलेगा। देखिए आप यहाँ से इसका फोटो देख सकते हैं ये वाला, और इसमें ये ऐसा है, तो इसका वो प्रेस कीजिए, प्रेस करने के बाद देखिए इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो ये निकल के आएगा, ओके भाई। तो इसका वो प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे आपको रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है, मतलब जिसका ऊपर आपको वो जो पैकेज हमने डाउनलोड किया था उसको रीस्टोर करेंगे, तो उसी के ऊपर आप क्लिक कीजिए, ये सब का ऊपर मत कीजिए, ठीक है जो हमने जो खाली बनाया था उसी का ऊपर हम करेंगे। तो इसका वो प्रेस कर दिया मैंने, और यहाँ पे एक फाइल ओपन हो जाएगा, इसको टानिए, उसके बाद आप यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाइए, जो फाइल हमने डाउनलोड किया था उसका ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे, देख लेंगे जो फाइल हमने डाउनलोड किया था किधर गया वो फोल्डर, आपको फोल्डर ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर। तो देखिए ये जो फोल्डर हमने यहाँ पे देखिए ये वाला फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये जो हमने डाउनलोड किया था सिंपल उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, ओके तो हम देखिए मैं आपको यहाँ बार के दिखा देता हूँ, ओके कर दिया है, और यहाँ पे सक्सेसफुल रीस्टोर, हम इसको बैक कर देते हैं और sketchware में जाते हैं और इसके ऊपर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए ये अभी खाली था और ये अभी कंप्लीट हो गया है। तो आप इसी तरह से कोई भी प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करने के बाद आप ये इसको देख सकते हैं, देखिए इसका अंदर पूरा आपको दिखने के लिए मिलेगा, देखिए पहले ये पूरा खाली था, मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में, आप इसको रन करके देख सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके sketchware में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जो एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन है, ये वाला sketchware, ये वाला एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube में जाइए और सर्च कीजिए, ये वाला नाम जो है
ये आप YouTube में सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो में इसका पूरा फुल डिटेल्स मिल जाएगा। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, आपको अगर जानकारी चाहिए तो, नहीं तो आप नहीं भी देख सकते हैं। ओके भाई गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल किधर गया हमारा, यहाँ ये रहा हमारा चैनल। आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूरी, क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रिलेटिव बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल में अपलोड करते रहता हूँ और सिखाते रहता हूँ। आपको चाहिए तो आप कर लीजिए, घंटी बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।